गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.6 की एक बच्चे की प्रॉब्लम थी। मेरे हिसाब से सभी बच्चों की प्रॉब्लम होनी चाहिए। सेवन्थ सम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उस बच्चे को धन्यवाद कहना चाहता हूँ क्योंकि उसने जो है सारे के सारे सवाल किए और सभी के सभी बच्चे करे, क्योंकि ये सवाल 100% पेपर में हर बार आता है और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है पूरे 5th चैप्टर के अंदर। अब देखो इसमें निकालना क्या है, हमने इसमें डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू, पहले तो हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टी। तो करते हैं डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। यू बाई वी वाले मेथड सभी को आता हुआ, नीचे वाले का स्क्वेयर करते हैं, रूट कोस टू टी इसका स्क्वेयर हो गया। फिर पहला फंक्शन है ये ऐसा कैसा, साइन की पावर 3 टी, और फिर हम डेरिवेटिव करते हैं नीचे वाले का, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं रूट कोस टू टी का, ठीक है। फिर माइनस का निशान आता है यहाँ पे, फिर रूट कोस टू टी एज इट इज ऐसा का ऐसा, और फिर डेरिवेटिव करते हैं हम किसका, साइन की पावर 3 टी का, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पे साइन की पावर 3 टी है, ये ऐसा कैसा, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, इस रूट का मतलब क्या होता है, यानी रूट कोस है, कोस 2 टी, रूट का मतलब इसकी पावर 1/2, ये सभी को पता है। तो डेरिवेटिव में क्या करते हैं, पावर को आगे लेके आते हैं, 1/2 पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, और कोस 2 टी पावर में से एक क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। जब आधा में से एक गया तो कितना बच जाएगा इसके अंदर, माइनस का 1/2 बच जाएगा, माइनस का 1/2 बच गया, ठीक है। अब देखो बच्चों फिर आप क्या करेंगे, इस कोस 2 टी, अब तो हम हमने पावर का किया है, फिर अंदर वाले का भी तो करेंगे ना। कोस 2 टी का क्या होता है, डेरिवेटिव माइनस का साइन 2 टी, फिर एंगल का भी करेंगे, कोण का भी करेंगे, 2 टी का क्या होता है, गुणा में 2, क्लियर। फिर आगे क्या है, माइनस का निशान ऐसा का ऐसा, फिर रूट कोस 2 टी ऐसा का ऐसा, साइन की पावर 3 टी का डेरिवेटिव करेंगे, 3 तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर घट जाएगी इसके अंदर से, साइन स्क्वेयर टी हो जाएगा, और साइन टी का क्या आएगा, कोस टी, ठीक है। और डिवाइड बाय, यहाँ पे स्क्वेयर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया अपने पास, कोस 2 टी, क्लियर। अब 2 से 2 देखो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, कर दिया मैंने कैंसिल। अब देखो बच्चों इसके अंदर यहां पे बच गया साइन की पावर 3 टी, ये पावर माइनस का 1/2 है, नीचे क्या आ जाएगा, प्लस का 1/2, प्लस का 1/2 पावर हो जाएगा, 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है, ठीक है। फिर साथ में क्या है, माइनस का निशान है, मैं आगे लगा देता हूं इसको, और साथ में क्या है बच्चों इसके अंदर, साइन 2 टी, ठीक है, साइन 2 टी आ गया। फिर देखो माइनस का निशान यहां पे ऐसा कैसा, ये वाला, फिर रूट कोस 2 टी 3 है, मैं इसको आगे ले आता हूं यहां पे, या यहीं पे रहने तो तुम्हारी मर्जी है। यहां पे क्या बच गया अपने पास, साइन स्क्वेयर टी और कोस टी, और पूरे के डिवाइड में क्या है अपने पास, कोस 2 टी, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे रूट कोस 2 टी है, रूट कोस 2 टी अगर एलसीएम लेंगे यहाँ पे, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। जब मैं इसके अंदर एलसीएम लूंगा तो रूट कोस 2 टी क्या आ गया, इसके अंदर एलसीएम आ गया, तो रूट कोस 2 टी इसके अंदर एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे देखो इसकी एक के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा कैसा रहेगा, साइन की पावर 3 टी साइन 2 टी, और साथ में क्या रह गया अपने पास, डिवाइड बाय, ये रूट कोस 2 टी था, ये मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, एलसीएम ले लिया, माइनस का रूट कोस 2 टी किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3। अब देखो रूट है 2 बार हो गया तो स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा अपने पास, कोस 2 टी बच जाएगा, और साइन स्क्वेयर टी साथ में क्या बच गया, कोस टी। अब देखो बच्चों कोस 2 टी है ना, ये तो नीचे ही पड़ा है तो मैं ये नीचे ही रहने देता हूँ इसको, ठीक है। अब ये किसकी वैल्यू आई है बच्चों अपने पास, डी एक्स डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू आई है ये वाली, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी। फिर हम क्या निकालते हैं बच्चों, यहां से हम डी वाई बाई डी टी निकालते हैं,
यहां से निकाल लेते हैं डी वाई डिवाइड बाई डी टी। देखो बच्चों अब नीचे वाले का क्या करते हैं, हम स्क्वेयर करते हैं। चलो नीचे वाले का मैंने क्या कर लिया, इसके अंदर स्क्वेयर कर लिया। ठीक है, पहला फंक्शन ऐसा कैसा, कोस की पावर 3 t। फिर हम डेरिवेटिव करते हैं किसका, नीचे वाले का, डी डिवाइड बाई डी टी। डेरिवेटिव करेंगे किसका, कोस 2 t का। ठीक है, तो माइनस का निशान, फिर क्या है, रूट कोस 2 t है ये, ऐसा कैसा। फिर डेरिवेटिव करते हैं हम किसका, कोस की पावर 3 t का। इतना समझ में आ गया होगा सभी को। आगे देखो बच्चों, कोस की पावर 3 t ये ऐसा कैसा। अब कोस टी टी का वही जैसे हमने किया था ना पीछे, अब इस पार्ट के अंदर किया था ऐसे, इसका करेंगे 1/2 पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, पावर 1 माइनस हो जाएगी, माइनस का 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे कोस 2 t का क्या होगा, माइनस का साइन 2 t हो गया, और 2 t का क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, फिर माइनस का निशान, रूट कोस 2 t ये ऐसा कैसा। फिर क्यूब का करेंगे तो 3 पावर आगे आ जाएगी, कोस स्क्वेयर टी, और कोस टी का क्या होता है, माइनस का साइन टी, और एंगल का करेंगे टी का 1 होता है। डिवाइड बाय, देखो बच्चों स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, कोस 2 t। ठीक है, अब देखो बच्चों 2 से 2 क्या हो गया, इसके अंदर कैंसिल हो गया ये वाला। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, इसके अंदर कैंसिल हो गया ये वाला 2। अब देखो ये पावर माइनस का 1/2 है, नीचे क्या आ जाएगा अपने पास, पावर प्लस का 1/2 आ जाएगा, कोस 2 t। और इस 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। ठीक है, जो पीछे वाला इसमें किया ना था ना, इसका एलसीएम लिया था, ऐसे अब इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम रूट कोस 2 t एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे बच गया कोस की पावर 3 t, और साथ में माइनस का निशान है साइन 2 t माइनस का, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस 2 t, और 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिख लेता हूँ कोस स्क्वेयर टी, लेकिन यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा गुणा में, फिर साथ में क्या है साइन टी। ठीक है, और कोस 2 t है ये नीचे पड़ा हुआ है। ये वैल्यू किसकी आ गई बच्चों अपनी, ये वैल्यू आ गई डी वाई डिवाइड बाई डी टी, आ गई इसकी वैल्यू। अब देखो बच्चों हमने निकालना क्या है, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स निकालना ना, तो मैं डी वाई बाई डी टी को और डी एक्स बाई डी टी को क्या है, डिवाइड कर देता हूँ, तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। चलो कर देता हूँ, डी वाई डी टी तो यहाँ पे है, डी एक्स बाई डी टी और लिख देता हूँ इसके डिवाइड में, तो अपनी किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी वाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, माइनस का साइन की पावर 3 t, साथ में क्या है यहाँ पे साइन 2 t, साइन 2 t, और साथ में क्या है बच्चों यहाँ पे माइनस का 3 cos 2 t, माइनस का 3 cos 2 t, और क्या है बच्चों यहाँ पे साइन स्क्वेयर टी, साइन स्क्वेयर टी, और क्या है यहाँ पे कोस टी। ठीक है, अब डिवाइड बाय क्या है अपने पास, रूट कोस 2 t साथ में कोस 2 t। अब देखो बच्चों इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया पार्ट, ये वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब डिवाइड में क्या रह गया, ये दोनों डिवाइड में रह गए बस, ये और ये क्या रह गया अपने पास, डिवाइड के अंदर रह गया। देखो मैं इस पार्ट को यहाँ पे लिख लेता हूँ, माइनस का साइन की पावर 3 t साइन 2 t, और माइनस का क्या है 3 cos 2 t साइन स्क्वेयर टी और कोस टी। मैंने इसलिए लिखा यहाँ पे ताकि पूरा सवाल आ जाएगा इस यहाँ तक। अब देखो बच्चों इसके अंदर क्या करना है, तो आगे देखो बच्चों क्या आएगा इसके अंदर, कोस की पावर क्या है, ये 3 t है, कोस की पावर 3 t है, इसको तो ऐसा का ऐसा लिख लो। ये फार्मूला होता है साइन 2 t का, क्या फार्मूला होता है, 2 sin t और कोस टी, प्लस का निशान 3 cos 2 t ऐसा का ऐसा, कोस स्क्वेयर टी ऐसा कैसा, और साइन टी ऐसा कैसा। क्लियर, अब डिवाइड बाय क्या रह गया अपने पास, माइनस का साइन की पावर 3 t, साइन 2 t का फार्मूला होता है 2 sin t कोस टी, माइनस का यहाँ पे बच गया 3 cos 2 t साइन स्क्वेयर टी और कोस टी। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, कोस स्क्वेयर टी क्या आ गया, कॉमन आ गया, और 1 sin t कॉमन आ गया, तो कोस स्क्वेयर टी को बना गया और साइन टी को बना गया।
यहाँ पे कोस स्क्वेयर टी चला गया, ए कोस टी बच गया, और यहाँ पे ए कोस टी, तो कितना हो गया, कोस स्क्वेयर टी हो गया, यानी माइनस का कोस स्क्वेयर टी, और साथ में टू है, माइनस का टू कोस स्क्वेयर टी बच गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे क्या करना है, प्लस का निशान थ्री कोस टू टी, ठीक है, थ्री कोस टू टी आ गया ये। अब देखो बच्चों थ्री कोस टू टी आ गया, अब एक फार्मूला होता है कोस टू टी, मैंने यहाँ लिखा हुआ कोस स्क्वेयर टी माइनस साइन स्क्वेयर टी, कोस स्क्वेयर टी ऐसा कैसा साइन स्क्वेयर टी को लिख सकता हूँ मैं, एक माइनस का कोस स्क्वेयर टी, कोस स्क्वेयर टी फिर ऐसा कैसा माइनस का, माइनस का एक माइनस माइनस प्लस का कोस स्क्वेयर टी, कोस स्क्वेयर टी, कोस स्क्वेयर टी, टू कोस स्क्वेयर टी माइनस का वन, तो कोस टू टी को क्या लिखता हूँ मैं, कोस टू टी को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टू कोस स्क्वेयर टी माइनस का वन। ठीक है, अब देखो बच्चों नीचे क्या है, यहां से साइन स्क्वेयर टी कॉमन आ जाएगा, साथ में कोस टी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, माइनस का साइन स्क्वेयर टी बच जाएगा, साइन स्क्वेयर टी बच गया क्या, अब देखो क्योंकि साइन स्क्वेयर टी मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो साइन टी एक यहाँ से बच गया, एक यहाँ से, तो साइन स्क्वेयर टी बच गया और कोस टी बाहर निकल गया था, अब दो है, दो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैंने आगे लिख लिया, फिर आगे क्या है बच्चों, माइनस का थ्री, ये वाला पार्ट बाहर निकल गया था, थ्री ऐसा कैसा, कोस टू टी का एक फार्मूला होता है एक माइनस का टू साइन स्क्वेयर टी, इसी फार्मूले से आएगा, कोस स्क्वेयर टी को एक माइनस साइन स्क्वेयर टी लिख लेना, तो ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तो तीन के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तीन दूनी छः, तीन एक कम तीन, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, तीन एक कम तीन और तीन दूनी छः। ठीक है, अब देखो बच्चों सिक्स कोस स्क्वेयर टी माइनस का टू कोस स्क्वेयर टी, तो यहाँ पे सिक्स में से टू गया फोर, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा अपने पास, फोर कोस स्क्वेयर टी और माइनस का क्या है थ्री। इसी प्रकार से माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके अंदर, अब यहाँ पे माइनस का था बच्चों, माइनस का था तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस होगा क्योंकि माइनस था बार बार माइनस था, तो कोस टू टी का ये फार्मूला लिख लिया था अपने, एक माइनस का टू साइन स्क्वेयर टी, माइनस तीन के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा इसके अंदर प्लस का हो जाएगा। अब देखो बच्चों इसके अंदर क्या करेंगे, अब माइनस का टू साइन स्क्वेयर टी और प्लस का सिक्स साइन स्क्वेयर टी, तो कितना हो जाएगा, प्लस का फोर साइन स्क्वेयर टी बच जाएगा, फोर साइन स्क्वेयर टी ये वाला पार्ट बच गया बच्चों। अब देखो मैं क्या कर देता हूँ, कोस ए कोस टी टी से ए कोस टी कैंसिल कर देता हूँ, साइन टी से साइन टी कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे क्या बच गया, कोस टी डिवाइड बाई साइन टी बच गया, यहाँ पे क्या बच गया अपने पास, कोस टी डिवाइड बाई साइन टी। क्लियर, अब इस कोस टी की अंदर गुणा कर देता हूँ मैं, अंदर जब इसके अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर कोस की पावर एक, ये दो, ये कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा, फोर कोस की पावर थ्री टी माइनस का थ्री की इसके साथ गुणा करूंगा तो थ्री कोस टी डिवाइड बाई, अब साइन टी की इसके साथ गुणा करूंगा तो फोर साइन की पावर थ्री टी हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा इसके अंदर, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा थ्री साइन टी कोस की पावर थ्री टी डिवाइड बाय माइनस का थ्री कोस टी डिवाइड बाय, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, थ्री साइन टी माइनस का फोर साइन की पावर थ्री टी। अब ध्यान से देखो बच्चों ये वाला फार्मूला है फोर कोस की क्यूब टी माइनस का थ्री कोस टी, ये फार्मूला हो जाएगा कोस थ्री टी का डिवाइड बाय, ये फार्मूला हो जाएगा साइन थ्री टी का, और माइनस का बार है निशान, माइनस ऐसा का ऐसा कोस डिवाइड बाई साइन क्या होता है कोट होता है कोट थ्री टी, तो ये अपना लास्ट एंड फाइनल क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था, थोड़ा टाइम तो लग गया, 15-20 मिनट की वीडियो बन गई होगी, लेकिन अच्छी तरह से समझना है, ये सवाल पक्का पेपरों में आना है। देखो समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब बिना समझाए लिखते हैं ना पेपरों में इतना टाइम नहीं लगता है, तो वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छी तरह से पढ़े। जय हिंद, जय भारत।